दोस्तों आज के हमारे सफ़र की शुरुआत होती है उत्तराखंड के नैनीताल से। हम जाने वाले हैं अल्मोड़ा। नैनीताल से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे रास्ते में ही पड़ेगा कैंची धाम, जो बहुत ही पवित्र स्थान है। तो वहाँ चलते हैं, पहले वहाँ के दर्शन कराएंगे, फिर हम निकलेंगे अल्मोड़ा के लिए। हमारे भारत देश में बाबाओं की कमी नहीं है। कई बाबा तो अपने आप को भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसे स्थान पर पहुँचा हूँ जहाँ पे एक ऐसे संत रहते थे, ऐसे बाबा रहते थे जो कभी भी अपने आप को भगवान नहीं मानते थे। अगर उन्हें कोई भगवान का दर्जा देता था तो वो उसको अपने आश्रम से निकाल देते थे। बाबा के भक्त हैं, जिसमें एप्पल कंपनी के मालिक हैं और फेसबुक कंपनी के जो ओनर हैं वो भी बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। तो आज मैं पहुँचा हूँ उत्तराखंड के नैनीताल से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे। जब आप अल्मोड़ा की तरफ जाएंगे तो एक बहुत ही पवित्र स्थान पड़ता है जिसका नाम है कैंची धाम। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, ये मंदिर, ये बहुत ही पवित्र मंदिर है और यहीं पे बाबा का आश्रम है। बाबा को नीम करोरी बाबा बोलते हैं। नीम करोरी बाबा की कई चमत्कारिक कहानियां हैं। एक बार हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी USA गए थे फेसबुक कंपनी के ऑफिस। तो फेसबुक कंपनी के जो मालिक हैं उन्होंने इस स्थान के बारे में जिक्र किया था कि जब उनके यानी दिन खराब चल रहे थे, फेसबुक अच्छी नहीं चल रही थी, तो एप्पल कंपनी के जो मालिक हैं स्टीव जॉब्स ने उन्हें भारत जाने की सलाह दी और भारत में कैंची धाम जाने के लिए उन्हें बताया कि आप एक बार कैंची धाम जाइए और वहाँ पे एक बाबा हैं, उनके दर्शन करके आइए। उसके बाद फिर जो फेसबुक कंपनी के मालिक हैं वो भारत आए और करीब एक महीना भारत में रहे और उसके बाद फिर वो उत्तराखंड आए, उत्तराखंड में कैंची धाम आए। हालांकि जब तक वो इस स्थान पे पहुंचे थे तब तक बाबा को समाधि लिए हुए लगभग 32 साल बीत चुके थे। तो वो यहाँ पे एक दिन के लिए आए थे। जब वो यहाँ पहुँचे थे तो उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक किताब थी और अचानक से फिर मौसम ख़राब हो गया जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पे फिर दो दिन रुकना पड़ा। यहाँ से जब वो वापस अपने देश पहुँचे उसके बाद उनके जो दिन थे वो सही हो गए। आज आप लोग जानते हैं कि फेसबुक जो है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आखिर अब सोचने वाली बात ये है कि नीम करोरी बाबा थे कौन, क्यों ये इतने पॉपुलर हुए, क्यों ये कैंची धाम बना। नीम करोरी बाबा का जो असली नाम था वो था लक्ष्मी नारायण शर्मा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव अकबरपुर में इनका जन्म हुआ था। बाबा की कहानी शुरू होती है लगभग 1940 के आसपास, जब बाबा उत्तराखंड के भवाली शहर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पे एक घाटी में पहुंचे थे। बाबा एक पहाड़ के पास बैठे हुए थे, तभी उन्हें एक शख्स दिखाई देता है जो पहाड़ के ऊपर था, कुछ काम कर रहा था। तभी बाबा उसका नाम लेते हुए उसको बुलाते हैं कि पूरन इधर आओ। एक बार तो वो उसको अनसुना कर देता है कि पता नहीं किसको बुला रहे हैं, कौन है। जब दोबारा से उन्होंने बुलाया कि पूरन इधर आओ तो वो शख्स बाबा के पास पहुंचता है और बड़ी ही हैरानी से उनको देखने लगता है, क्योंकि उस शख्स ने बाबा को पहली बार देखा था। अब वो शख्स ये सोच रहा था कि आखिरकार बाबा को उसका नाम कैसे याद है। जब बाबा ने उसकी तरफ देखा तो बाबा समझ गए। बाबा ने कहा कि पूरन मैं आपको अभी से नहीं कई जन्मों से जानता हूँ। उसके बाद बाबा ने कहा कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप अपने घर से खाना ले आइए मेरे लिए। भागता हुआ पूरन अपने घर के पास जाता है, अपनी माँ को सारी बात बताता है। पूरन के घर पे उस समय दाल और रोटी बनी हुई थी। पूरन एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था। दाल और रोटी लाके बाबा को देता है। उसके बाद बाबा पूरन को बोलते हैं कि गांव के कुछ लोगों को लाइए। पूरन गांव में जाता है, बाबा के बारे में बताता है, तो कुछ लोग पूरन के साथ उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे बाबा बैठे हुए थे। तभी बाबा ने एक पहाड़ की तरफ इशारा किया जो बहुत बड़ा पत्थर था और कहा इस पत्थर को हटाइए, इसके पीछे एक गुफा बनी हुई है। तो लोग बाग बाबा की बातों को बड़े ही हैरत से सुन रहे थे, क्योंकि लोगों का जन्म यहाँ पे हुआ था, उनका गांव था यहाँ, आखिर बाबा को ये सारी चीज़ें कैसे पता है। लोगों ने उस पत्थर को हटाया, देखा तो वास्तव में वहाँ पे एक गुफा थी। गुफा के अंदर एक धुनी थी। धुनी को देख के ऐसा लग रहा था जैसे अभी किसी ने ये धुनी लगाई हो, काफ़ी वर्षों से यहाँ पे धुनी नहीं थी। बाबा को गांव वाले बड़े हैरानी से देख रहे हैं। तभी बाबा कहते हैं कि कोई हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है, मैं कोई चमत्कारिक बाबा नहीं हूँ, ये एक स्थान है और ये हनुमान जी का स्थान है, यहाँ पे हनुमान जी विराजमान होंगे।
तभी बाबा ने आदेश दिया कि नदी से पानी लाया जाए। ये वाली जो नदी थी, यहाँ से पानी ले जाया गया और उस स्थान को शुद्ध किया गया। वहाँ पे हनुमान जी को विराजमान किया गया। बाबा ने गांव वालों को बताया कि ये जो स्थान है, ये सोमवारी बाबा की तपोस्थली है। यही कुछ बाबा ने गांव वालों को बताया था। उसके बाद ये स्थान धीरे धीरे मशहूर होने लगा और आज इस स्थान को कैंची धाम के नाम से जानते हैं। हमें भी आज मौका मिला है इस पवित्र धाम के दर्शन करने का, तो हम भी दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे। वहाँ पे मंदिर का मेन गेट है जिससे हम अभी एंट्री लेंगे, तो आगे चलते हैं। पहले तो इस बाग में हम आ गए थे, आगे चलते हैं और वहाँ से मंदिर में प्रवेश लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दर्शन कराते हैं। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, तो अभी हम यहाँ से प्रवेश लेते हैं और चलते हैं मंदिर के अंदर। एक बार रोड क्रॉस करते हैं। उधर है हमारा ना गाड़ी, उधर खा लेते हैं। यहाँ पे बना हुआ है श्री वैष्णो देवी मंदिर। फोटो खींचना मना है, परसों में फोटो खींचना मना है, बंद कर दो। आगे लिखा हुआ फोटो खींचना मना है। अभी हम मंदिर में दर्शन करके वापस आ गए हैं। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, यहाँ तक के फोन अगर आ रहा है आपका तो वो भी रिसीव नहीं कर सकते, यानी फोन अलाउड ही नहीं था। काफी सुकून मिला मंदिर के अंदर, बहुत शांति थी। ये वाला जो मंदिर है, ये वैष्णो देवी का मंदिर है, इसी में हनुमान जी विराजमान है, राधा कृष्ण जी विराजमान है। इसके पीछे जो व्हाइट कलर का मंदिर आप लोगों को दिख रहा है ना, वो उसके पीछे चोटी दिख रही व्हाइट कलर की, उसमें नीम करोरी महाराज की मतलब प्रतिमा लगी हुई है, काफी विशाल मूर्ति है। और उसके पीछे एक और माता सिद्धेश्वरी का मंदिर था, तो काफी अच्छा लगा, काफी सुकून मिला यहाँ आने के बाद। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। नीचे एक छोटी सी नदी बह रही है। यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे विवेकानंद जी की तपोस्थली भी है। कितनी दूर है, लगभग ऐसे ही कुछ है, 14-15 किलोमीटर है ना, 20 किलोमीटर दूर है। रास्ते में ही पड़ेगी, अल्मोड़ा जाएंगे अभी किसी तक पहुंचते हैं। अगर हम अल्मोड़ा की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में पड़ती है ना, तो आप लोगों को वो भी दिखाएंगे। और अलग से जाना पड़ेगा, ज़्यादा जाना पड़ा तो नहीं जाएंगे, क्योंकि अल्मोड़ा भी हमें पहुँचना है। और रास्ते में अगर पड़ी या फिर नज़दीक में ही रही तो आप लोगों को दिखा देंगे।